नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी दी जाए जो सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में लगातार हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र योजना की समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा कि सरकार की योजनाओं का फायदा पीपीपी के तहत दिया जा रहा है। साथ ही पावर डिपार्टमेंट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी भी मुख्यमंत्री की ओर से दी गई। देखिए, जनहित में कार्य कर रही हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले लगभग 9 सालों में व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया है। अनेकों योजनाएं जनहित में लाई गई जिनका अभूतपूर्व परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इन्हीं में से एक योजना है परिवार पहचान पत्र। इस योजना के शुरू होने से हरियाणा की जनता को सरकार की हर योजना का लाभ पाने में बहुत सी आसानी हुई है। सरकार ने हर परिवार का डाटा एकत्रित किया है और जो भी कमियां हैं उनको भी दूर करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र योजना की समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी और कहा कि 3 साल पहले शुरू किया गया ओल्ड एज पेंशन, चिरायु आयुष्मान भारत योजना समेत 500 से अधिक योजनाओं का लाभ पीपीपी से मिल रहा है। अब लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, सीएससी में ही उनको सुविधाओं का लाभ मिल जाता है। उसमें आयुष्मान भारत हो अथवा चिरायु योजना हो अथवा कोई किसी को फर्द लेनी है, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट लेना है, हर प्रकार की सेवाएं अब इसके माध्यम से मिलती हैं। जो लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे सरकारी कार्यालयों के या अधिकारियों के, वो बहुत कम हो गए, मिनिमम हो गए हैं। अभी भी छोटी मोटी जो कठिनाइयाँ बची हैं उसको अब सॉल्व करने के लिए काफ़ी चर्चाएँ हमारी आज भी हुई हैं। बहुत जल्दी उन चीज़ों को हम ठीक करेंगे। आज परिवार पहचान पत्र जो अथॉरिटी है इसकी एक मीटिंग वर्ष में करनी होती है, तो आज एक वार्षिक मीटिंग उस अथॉरिटी की थी और इसके अंदर जो कठिनाइयाँ उसके ऊपर विचार किया गया है। विशेष तौर पर इनकम के नाते से जो कठिनाइयाँ हैं, लोगों के डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि जो पहले से सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम है उसको बाद में वेरीफाई किया जाता है। लोकल कमेटी वेरीफाई करती है, सेक्टर कमेटी वेरीफाई करती है, जोनल कमेटी उसके ऊपर रिकमेंड करती है उसको, और बाद में उसको फाइनल माना जाता है कि ये चीज़ वहाँ से रिकमेंड होकर के आई है वेरीफाई करने के बाद। और उसमें कुछ लोगों ने अपनी इनकम जो कम दिखाई है वेरीफाई करने के बाद उनकी ज़्यादा मिली है, तो निश्चित रूप से उसको ठीक किया गया है। और फिर जो उनकी शिकायतें ग्रीवेंसेज होती हैं उन ग्रीवेंसेज को भी सेक्टर कमेटी में शिकायत देता है व्यक्ति, और अल्टीमेटली एडीसी लेवल के ऊपर उसको फाइनल किया जाता है। अभी एडीसीज को एक पावर हमने ओवरराइडिंग पावर दी है कि किसी प्रकार की भी सर्वे के बाद या कोई डॉक्यूमेंटल डाटा अपडेशन का जो सिस्टम है उसके बाद एडीसी को फिर भी लगता है, कोई कंप्लेनेंट वहाँ पहुँचता है कि मेरा तो इन सब बावजूद इनकम कम है, तो वो अपने सिस्टम से वेरीफाई करा करके फाइनली हर प्रकार के उस इनकम का जो वेरीफिकेशन है उसके ऊपर ओवरराइडिंग पावर एडीसी को दी गई है। एडीसी फिर भी उसको कम करना चाहे तो करके उसको अपलोड कर सकता है। इस प्रकार की जो शिकायतें हैं अभी जो पेंडिंग हैं, लगभग 2 महीने में आज हमने जो तय किया है कि हर एक शिकायत को निपटारा करके उसको कम्प्लीट किया जाएगा, जो इस प्रकार के सारे विषय हैं। ऐसे ही ग्रीवेंसेस इस नाते से जो लोग इस प्रकार के किसी प्रकार के ग्रीवेंस अपने परिवार पहचान पत्र को ठीक कराने के लिए, मानो कोई एड्रेस गलत है, टेलीफोन नंबर गलत है, कहीं नाम की गलती है, कुछ और है, ये ग्रीवेंसेस भी अभी तक 864,000 ग्रीवेंसेस आई थी जिसमें से 818,000 ये ठीक कर दी गई हैं, और बाकी जो बची हैं लगभग 46,000 इनको भी अगले इस 2 महीने में इसको भी ठीक कर दिया जाएगा ताकि कोई ग्रीवेंस किसी को इस प्रकार की न रहे। फिर भी एक रेगुलर सिस्टम, कोई भी अपडेशन है, कोई चीज़ उसमें कम ज़्यादा करनी है, उसको रेगुलर तरीके से एडीसी की अध्यक्षता में वो सब कमेटियाँ लगातार इसको करती रहेंगी। और सेटिस्फेक्शन ग्राहक की है कि नहीं, यानी कस्टमर कहूँगा जो कंप्लेनेंट है उसकी ग्रीवेंस की सेटिस्फेक्शन हुई है कि नहीं हुई है, इसके लिए कॉल सेंटर भी बनाने के लिए मैंने कहा है कि कॉल सेंटर बनाया जाए ताकि कोई भी कंप्लेंट करता है उसकी ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट तो करता है,
लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। और हर एक जो ग्रीवेंस जिसको यहाँ पर जिसकी लुकआउट कर लिया जाता है उसके लिए उस कंप्लेनेंट को फ़ोन करके उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ये भी इसमें से देखा जाएगा। तो ऐसे 3-4 विषय जो करनी है जो पब्लिक के लिए, बाकी तो इंटरनल मीटिंग थी, बजट कितना है, एम्प्लॉइज कितने हैं, ऑफिस कहाँ होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें ग्रीवेंस परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी की उसको एनुअल मीटिंग में जैसे होता रिपोर्ट के आधार पर। सीएम ने पीपीपी को बंद करने को लेकर विपक्ष के बयानों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमने जो भी किया है वो व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत है, व्यवस्था परिवर्तन करना आसान काम नहीं है, कई बार जनता के बीच इसकी स्वीकृति नहीं मिलती, लेकिन अब सरकार द्वारा शुरू किए गए व्यवस्था परिवर्तन के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। विपक्ष जिनकी छोटी मोटी शिकायत है उनको मुद्दा बनाता है, जनता विपक्ष को जवाब देने का काम करेगी। देखिए आप लोग पहले भी पूछ चुके, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हमने नए जितने भी ऐसी चीज़ें शुरू की हैं, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन बहुत आसान नहीं होता, व्यवस्था परिवर्तन को स्वीकार करना अपने आप में बड़ा कठिन है, इसको कई बार अधिकारी भी स्वीकार नहीं करते, कई बार नेता स्वीकार नहीं करते, कई बार जनता स्वीकार नहीं करती, लेकिन जैसा उसका अनुभव आता है, अनुभव के बाद रिजल्ट जो निकलते हैं उसमें से स्वीकारता बढ़ती है। अब चूँकि इसके रिजल्ट आने लग गए हैं, हर किसी को इन चीज़ों के लिए अब जो चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं सुविधाजनक तरीके से, नहीं तो हर छोटे काम के लिए भी व्यक्ति अपने जिला केंद्रों पर अथवा चंडीगढ़ राजधानी पर कितने चक्कर काटता था, अब हम जाकर के देखेंगे फील्ड में तो कहीं किसी व्यक्ति को आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रोएक्टिव सर्विसेज उसके घर तक पहुंचने लग गई हैं, ज़्यादा ज़्यादा उसको अगर जाना पड़ता तो अपने गांव के सीएससी सेंटर पर वहां तक वो जाता है, वहां जाकर के अपना, बहुत लोगों को तो ऑनलाइन सर्विस अपने यानी मोबाइल पर या कंप्यूटर पर घर बैठे कर सकते हैं, सब सूचनाएँ उसको मोबाइल पर मिलने लग गई हैं कि आपका नाम इसमें रजिस्टर हो गया, आपकी कंप्लेंट यहाँ पहुँच गई, इसको ऐसे ठीक करना, और जो ठीक होने के बाद रिजल्ट ये उसको मिलता है विदिन 24 आवर्स, भी पूरी स्टेट में कोई मैसेज किसी को देना हो तो इस सारे सिस्टम से संबंधित लोगों को पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो सुविधाएं हुई हैं इसके कारण से विपक्ष केवल उन लोगों को तो ध्यान रखता है जिनकी छोटी मोटी ग्रीवेंस होती है, क्योंकि वो लोग पेश होते हैं सब जगह कि मेरा ये ठीक नहीं हुआ, मेरा ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो थोड़े चंद लोग होते हैं, उनके कारण से अगर वो कहेंगे कि इन व्यवस्थाओं को ख़त्म करेंगे तो हमको तो उसका नुकसान ही नहीं लगती, हमको तो ये लगता है कि जनता इनको जवाब देगी। जब वो कहते हैं कि हम आएंगे पीपीपी ख़त्म कर देंगे, हम आएंगे पोर्टल ख़त्म कर देंगे, हम आएंगे मेरिट वेट भाग के फाड़ के फेंक देंगे, जितनी बातें वो कह रहे हैं जिसका जनता को लाभ मिल रहा है वो अगर इसका विरोध करेंगे तो जनता निश्चित रूप से उनका विरोध करेगी, वो इनको फाड़ेंगे, जनता उनको फाड़ेगी। सर महागठबंधन जो है वो आज बिहार के पटना में किया जा रहा है, किस तरीके से? इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इससे पहले हमारी पावर डिपार्टमेंट की भी बैठक हुई, इसमें कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला अंत्योदय परिवार के लिए रहा, जिनकी इनकम 1,00,000 रुपए है, उनके बिजली कनेक्शन, बिजली बिलों समेत कई चीजों में बड़ी राहत दी गई है। हमारी पावर डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई थी और उस पावर डिपार्टमेंट में भी 2-3 निर्णय हमने जो लिए हैं अच्छे लिए हैं। एक निर्णय जो गरीब परिवार है अंत्योदय श्रेणी के, जिसकी इनकम लिमिट हमने 1,00,000 रुपया प्रति वर्ष रखी हुई है, उसको अंत्योदय फैमिलीज कहा है। अंत्योदय फैमिलीज के बिलों के जो झगड़े हैं वो भी काफ़ी हैं, उसमें बहुत लोगों की डिफ़ॉल्ट अमाउंट हो गया, उनके ऊपर पेनल्टी लग गई, उनके कनेक्शन कट गए, तो हमने आज हमने निर्णय लिया क्या कि पहली बात तो ये कि उनको किसी प्रकार की पेनल्टी वो नहीं लगेगी, उसको सारे को माफ़ कर दिया। दूसरा, डिफ़ॉल्ट अमाउंट कितनी भी हो, मोर देन एवरेज बिल ऑफ 1 ईयर, इससे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट अमाउंट उसको नहीं देना, चाहे 10 साल का भी पेंडिंग बिल हो तो 1 साल का उसको मैक्सिमम देना होगा। और जिसकी 150 यूनिट पर मंथ ये एक एवरेज मान करके हम चलते हैं, तो उसको ज़्यादा ज़्यादा जो मैक्सिमम अगर उसको बिल देना होगा तो वो 3600 रुपये साल का देना होगा, अर्थात 300 रुपये महीने का। तो बाकी सारी चीज़ें उसके ये, और वो भी उसको 3600 रुपया आज उसमें से मानो कुछ एक अमाउंट शायद 900 रुपये तय किए 25%, उतना जमा कराने के बाद और उसका कनेक्शन चालू हो जाएगा, और चालू होने के बाद फिर उसको 1 साल तक बिल नहीं देना, बाकी जो बिल है उसका अगले 2 साल में डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि उसके पास बजट ज़्यादा उसका बिल करना बढ़े। लेकिन कनेक्शन कराने के लिए शुरू में शायद 4 महीने का बिल होता है, जिसका ACD वो एक अमाउंट है
जो 4 महीने का बिल होता है उसका कुछ कहते हैं डिपॉजिट, वो डिपॉजिट क्योंकि पिछला डिपॉजिट उसका डिफॉल्ट अमाउंट में ख़त्म हो जाता है, तो अगला डिपॉजिट 4 महीने के बिल का यानी 600 यूनिट का 1200 जो बनेगा उतना ही जमा करना, उसके बाद उसका कनेक्शन चालू हो जाएगा और फिर वो लगातार अपना बिल भरता रहे और बाकी अमाउंट उसको 2 साल में अगले 2 साल में उसको देना है। तो एक ये स्कीम आज पास की है। ऐसे ही अनऑथोराइज कॉलोनीज जिनमें कनेक्शन अभी नहीं दिए जाते थे, बहुत से कारण थे कि भी कॉलोनी ऑथराइज नहीं है, तो हमने कहा कि बिजली और पानी दो ये फंडामेंटल राइट हैं व्यक्ति के, तो कोई उसके ऊपर किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, केवल उसने अप्लाई करना है कि मेरे घर में कनेक्शन नहीं है। उसको 1 महीने के अंदर अंदर जो भी जो राइट टू सर्विस कनेक्ट कमीशन में जो कनेक्शन देने की विधि है उसके हिसाब से उसको कनेक्शन दे दिया जाएगा, कोई और पूछताछ नहीं की जाएगी। डिसकनेक्टेड कनेक्शन को भी 1 महीने के अंदर जोड़ दिया जाएगा। एक विषय है कि किसानों के जो उन्होंने कनेक्शन लिए हुए हैं और उन कनेक्शन का जो लोड है अभी कम है, तो कई बार किसान को अपनी आवश्यकता के हिसाब से मोटर बड़ी लगानी पड़ती है, लोड उसका बढ़ाना पड़ता है, तो वो आसानी से उसका लोड कनेक्शन बढ़ाने के लिए उसको कठिनाई आती है। तो आज हमने तय किया कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ देयर लोड ये किसान करेंगे कि अपने आप वो बताएंगे कि मेरा इतना लोड है, इतने हॉर्सपावर की मोटर मेरी काम करेगी, उसका ऑटोमेटिकली उसको जैसे वो डिक्लेयर करेगा उसका लोड बढ़ जाएगा, उसमें किसी प्रकार की परेशानी उसको नहीं आएगी। तो ये 3 फैसले आज बिजली विभाग के भी। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी और किसानों को राहत देने के लिए भी इस बैठक में फैसले लिए गए। ऐसे ही अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जिनमें कनेक्शन अभी नहीं दिए जाते थे, बहुत से कारण थे कि भी कॉलोनी ऑथराइज नहीं है, तो हमने कहा कि बिजली और पानी दो ये फंडामेंटल राइट हैं व्यक्ति के, तो कोई उसके ऊपर किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, केवल उसने अप्लाई करना है कि मेरे घर में कनेक्शन नहीं है, उसको 1 महीने के अंदर अंदर जो भी जो राइट टू सर्विस कनेक्ट कमीशन में जो कनेक्शन देने की विधि है उसके हिसाब से उसको कनेक्शन दे दिया जाएगा, कोई और पूछताछ नहीं की जाएगी। डिसकनेक्टेड कनेक्शन को भी 1 महीने के अंदर जोड़ दिया जाएगा। एक विषय है कि किसानों के जो उन्होंने कनेक्शन लिए हुए हैं और उन कनेक्शंस का जो लोड है अभी कम है, तो कई बार किसान को अपनी आवश्यकता के हिसाब से मोटर बड़ी लगानी पड़ती है, लोड उसका बढ़ाना पड़ता है, तो वो आसानी से उसका लोड कनेक्शन बढ़ाने के लिए उसको कठिनाई आती है। तो आज हमने तय किया कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ देयर लोड ये किसान करेंगे कि अपने आप वो बताएंगे कि मेरा इतना लोड है, इतने हॉर्सपावर की मोटर मेरी काम करेगी, उसका ऑटोमेटिकली उसको जैसे वो डिक्लेयर करेगा उसका लोड बढ़ जाएगा, उसमें किसी प्रकार की परेशानी उसको नहीं आएगी। तो ये 3 फैसले आज बिजली विभाग के भी हमने लिए। वहीं हरियाणा में हो रही भारतीय जनता पार्टी की रैलियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि रैलियों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और लोगों में खासा उत्साह है। उन तक 10 रैलियां सारी हो जाएंगी, बहुत अच्छा है। आप लोगों में से कोई सिरसा अगर गया हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो स्वयं वहाँ जब देखा है तो अभूतपूर्व रैली, और खास करके सिरसा क्षेत्र माना जाता है कि शायद बीजेपी का वहाँ कुछ हमारे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन बीजेपी की इस प्रकार की सफल रैली लोग भी उसको देखते रह गए कि एक बहुत रिस्पॉन्सिव रैली जिसको करना चाहिए वो हमारी सिरसा में हुई है। इसी प्रकार सोनीपत की रैली, उसमें मैं स्वयं गया था, उसमें वो भी अच्छी हुई है। अब 24 तारीख को पानीपत में है, 25 तारीख को फरीदाबाद में है, गुरुग्राम में है, शायद रोहतक में भी 25 को है, 29 को अम्बाला में है, जगाधरी अम्बाला लोकसभा, तो लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी होती है तो उस क्षेत्र की एक रैली होगी। ऐसे बाकी भी सब तय हो चुके हैं, 30 तक सभी रैलियाँ सम्पन्न हो जाएंगी। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि नशे के खिलाफ भी हमारी लड़ाई जारी है, एंटी ड्रग डे पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एंटी ड्रग अब्यूज डे ये उस दिन है, विश्व भर का वो एक दिन होता है, तो उसमें हम उस दिन नशे के खिलाफ एक जागरण कैसे किया जाए, उसमें कई संस्थाएं भाग ले रही हैं, पुलिस का जो एक अपना डिपार्टमेंट एंटी नार्कोटिक्स जो ब्यूरो है वो अपना एक कार्यक्रम कर रहा है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे कैसे किए जाएं और हरियाणा में किस प्रकार से जनजागरण किया जाए वो भी एक है। वैसे 3 बड़े कार्यक्रम पंचकुला में होंगे, आप लोगों को सबको निमंत्रण आ रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले लगभग 9 वर्षों में
डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में उठाए गए अनेक कदम नागरिकों के लिए अब कारगर सिद्ध हो रहे हैं। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के मानव हस्तक्षेप को कम करके आम जनमानस को उनके घर द्वार पर सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। मनोहर लाल की ओर से बेसहारा बेघर आत्मसमर्पित बच्चों का पालन पोषण, मुफ्त शिक्षा और रोजगार के लिए शुरू की गई हरिहर योजना से उन बच्चों के चेहरे पर उस वक्त मुस्कान आई जब सीएम ने 11 बच्चों को सरकारी विभागों में नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। हरियाणा की मनोहर सरकार हर वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चला रही है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो या बुजुर्गों के लिए। गरीबों के लिए भी अनेकों योजनाएं हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। इसके अलावा अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए भी हरियाणा सरकार की तरफ से योजना लाई गई। प्रदेश में अनाथ बच्चों का पालन पोषण सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश सरकार की ओर से हरिहर योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बाल गृह में आने वाले ऐसे सभी बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठा रही है और 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ऐसे युवाओं को सरकार सीधे एक्स ग्रेसिया पॉलिसी में कवर कर रही है और ग्रुप सी और ग्रुप डी में भी नौकरी दी जा रही है। इसके लिए किसी तरह के एग्जाम भी इन बच्चों को नहीं देने होते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बेसहारा बेघर व आत्मसमर्पित बच्चों को पालन पोषण, मुफ्त शिक्षा व रोजगार के लिए आरंभ की गई हरिहर योजना से उन बच्चों के चेहरे पर उस समय एक बार फिर से मुस्कान आई जब मुख्यमंत्री ने 11 बच्चों को सरकारी विभागों में नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इन बच्चों को स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, उपायुक्त कार्यालय कैथल में ग्रुप सी व ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति दी गई है। इन 11 बच्चों में 9 लड़कियां व 2 लड़के हैं, जिसमें अदिति, प्रार्थना, माधवी, मधुलिका, नीलिमा, अनादि, सुधा, सरिता, दिव्या, कन्हैया और हिमांशु शामिल हैं। राज्य सरकार को राज्य के बाल देखभाल संस्थानों में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को शैक्षणिक, वित्तीय व रोजगार के लाभ प्रदान करने के लिए हरिहर नीति अधिसूचित की गई। नीति के तहत 5 वर्ष की आयु से पहले परित्यक्त व 1 वर्ष की आयु से पहले आत्मसमर्पित किए गए पात्र बच्चों को लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण सहित मुफ्त स्कूल व उच्च शिक्षा, इसके अलावा 25 वर्ष की आयु तक या शादी तक देखभाल, पुनर्वास और वित्तीय सहायता या शादी जो भी पहले हो, अनुकंपा के आधार पर उन परित्यक्त और समर्पित बच्चों को नौकरी जिन्हें 5 वर्ष की आयु से पहले और 1 वर्ष की आयु से पहले समर्पित के रूप में बाल देखभाल संस्थानों में भर्ती कराया गया था और जिन्होंने बाल देखभाल संस्थानों में रहते हुए 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जिनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है, उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि बाल गृह में आने वाले सभी बेसहारा और अनाथ बच्चों को लाभ पहुंचाने के मकसद से हरियाणा सरकार की तरफ से हरिहर योजना की शुरुआत 2021 में की गई थी। हरियाणा हरिहर योजना उन बच्चों के लिए एक समर्पित योजना है जिन्हें छोड़ दिया गया या फिर वो अनाथ हो गए। स्वयं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उस समय इस योजना की जानकारी दी थी और इसका मकसद बताया था। बच्चे अबंडन्ड और सरेंडर्ड श्रेणी में आते हैं। अबंडन्ड यानी जो 5 साल से कम आयु के बच्चे कहीं भी बिना किसी वारिस के घूमते हुए लावारिस कई बार पुलिस को मिल जाते हैं, कहीं कहीं वो लोग छोड़ देते हैं और उसका कोई आगे मालिक, कोई उनका माँ बाप, कोई उसका ट्रेसेबल नहीं होता। तो ऐसे सब 5 साल से नीचे के बच्चे या 1 साल से छोटा बच्चा जिसको हम कहते हैं सरेंडर, वो शिशु बच्चे को किन्हीं भी कारणों से, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो आपको पता है कि सामाजिक दृष्टि से जो उचित नहीं माने जाते, तो उन बच्चों को कहीं कोई छोड़ गया, कहीं पालने में डाल गया, कहीं कूड़े में डाल गया, कहीं अस्पताल में छोड़ाया, कहीं छोड़ाया, तो ऐसे बच्चों को
अभी तक जो उनके चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं उसमें उनका पालन पोषण होता है। 18 साल तक तो पालन पोषण वहाँ होता है, पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाती है, लेकिन 18 साल के बाद उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। ऐसे उनकी व्यवस्था करने के लिए एक नई पॉलिसी हम लाए हैं, उसका नाम है हरिहर पॉलिसी। तो हरिहर पॉलिसी में 18 साल से 25 साल तक उन सब बच्चों का पालन पोषण, उनकी आगे की पढ़ाई और उनकी नौकरी, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन वही बच्चे होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे इन चाइल्ड केयर होम्स में, कोई भी आएगा वो नहीं। तो ऐसे निश्चित संख्या है उनकी, और उनको 25 साल की उम्र तक या उससे पहले अगर उनकी शादी कराने में, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर को उनका बना दिया है गार्जियन, तो वो शादी की व्यवस्था भी उनकी, बच्चों की चाहे लड़का है चाहे लड़की है किसी प्रकार से वो हो जाती है, तो तब तक ये व्यवस्था सरकार करेगी। पहले पढ़ाई की कोशिश करेंगे कि वो पढ़ लिख करके और आगे बढ़ जाए, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमजोर है, तो फिर उनको 25 साल से पहले उनकी नौकरी ग्रुप सी और डी 10वीं या 12वीं उसकी शिक्षा के हिसाब से, वो उनको एक्सग्रेसिया के हिसाब से मिलेगी, कोई उनका एग्जाम नहीं कोई कुछ नहीं, उनको सी और डी में नौकरी का जो पात्र है उसको मिलेगी। लेकिन ए और बी के लिए वो अपनी पढ़ाई के हिसाब से अपना सिलेक्शन में जाने के लिए जो प्रोसीजर रहता है उनको रिजर्व्ड कैटेगरी EWS इसका एक बेनिफिट उनको दिया जाएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, उसके अंदर वो आ जाएंगे। उसमें चाहे वो सरकारी नौकरी सरकार हरियाणा सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, तो EWS का उनको श्रेणी का लाभ मिलेगा। तो इन बच्चों के लिए, और 25 साल तक अगर उससे पहले नौकरी लगता है तो उस नौकरी की जो उसकी सैलरी है वो भी उसकी रिजर्व रहेगी, खर्च उसका तब भी गवर्नमेंट ही करेगी, केवल उसमें से अगर वो चाहता है तो 20% पैसा निकाल करके स्वयं खर्चने की इच्छा करता तो कर सकता है। यानी एक प्रकार का वो डिप्टी कमिश्नर ही उसका रहेगा गार्जियन, और उसके बाद शादी होने के बाद वो पैसा उसको दे दिया जाएगा, और उसको कहीं भी मकान के लिए अगर कुछ राशि उसको एज लोन देना होगा तो 2 कमरे के मकान के लिए लोन भी दे दिया जाएगा, उसका इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट देगी। महिला एवं बाल विकास की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि हरियाणा देश का ऐसा पहला प्रदेश है जहां ऐसे बेसहारा बच्चों के लिए यह अनोखी योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि यह एक पुण्य का काम है और सैकड़ों बच्चों का इससे उत्थान हो चुका है। हरियाणा के बुजुर्ग पेड़ों को भी अब पेंशन मिलेगी। ये योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पुराने पेड़ों को संरक्षित करने के लिए अनोखा फैसला लिया गया है। पेड़ है तो जीवन है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और जंगलों को तेजी से काटा जा रहा है। मेट्रो सिटीज में पॉल्यूशन का लेवल तेजी से बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जो कि नाकामयाब साबित हो रहे हैं। ऐसे में पेड़ों को बचाने और हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब हरियाणा के बुजुर्ग पेड़ों को भी पेंशन मिलेगी। ये योजना लागू करके हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां पुराने पेड़ों को संरक्षित करने के लिए इस तरह का अनोखा फैसला लिया गया है। हरियाणा के वन पर्यावरण मंत्री चौधरी कंवर पाल गुर्जर का कहना है कि जब भी वो कोई 75 साल पुराना पेड़ देखते थे तो उनके मन में बहुत अच्छी भावनाएं आती थी। ये पेड़ प्राणदायक वायु तो देते ही हैं, साथ ही जीव जंतुओं को भी आश्रय देकर पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ये पेड़ अपने आप में इतिहास को भी संजोए हुए होते हैं। वन मंत्री ने इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चर्चा की और कहा कि हमारे बुजुर्गों की तरह इन बुजुर्ग पेड़ों को भी प्रतिवर्ष पेंशन दी जानी चाहिए ताकि लोगों का इनकी तरफ झुकाव और सम्मान बढ़े। उस पैसे से इनका संरक्षण भी हो सकेगा और प्राणदायक वायु प्रदान करने वाले इन पेड़ों से कटाई का खतरा भी हट जाएगा। सीएम ने इस बात को तुरंत स्वीकार कर लागू कर दिया। हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता स्कीम के तहत 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों को उतनी ही पेंशन देने का फैसला लिया है जितनी बुजुर्गों को दी जाती है। बस ये पेंशन सालाना होगी।
वन मंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में अंतर्राज्यीय पर्यावरण की बैठक में हिस्सा लिया था, उसमें कई प्रदेशों के मंत्रियों ने भी इस योजना की तारीफ की और इसके बारे में जानकारी भी ली। अभी तक 3,300 से ज्यादा पेड़ों का चयन कर लिया गया है और जैसे जैसे लोग आवेदन करेंगे तो यह आंकड़ा बढ़कर 4,000 तक जा सकता है। जितनी पेंशन हम बुजुर्गों को देते हैं उतनी पेंशन प्रति वर्ष हम उस पेड़ की भी देंगे जो पेड़ 70 साल से पुराना होगा, ताकि उनको संरक्षण दिया जा सके और उनके प्रति लोगों का झुकाव हो, उनके प्रति सम्मान भी बढ़े और जो उनको मान लो छोटा मोटा कोई नुकसान भी सहन करना पड़ता है उसकी भी पूर्ति हम उससे कर देंगे। और ये स्कीम पूरे देश में हमारी पहली स्कीम है, अभी तक मैं समझता हूँ कि अपने देश में कहीं भी किसी भी राज्य में इस प्रकार की स्कीम नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीवन को बचाना है तो आपको पेड़ों को बचाना होगा, पौधारोपण करना होगा। आज भी अगर हर एक शख्स एक पेड़ लगाए तो हमारा देश प्रदेश और भी ज्यादा हरा भरा नजर आएगा। ऐसे में हरियाणा सरकार के इस कदम की भी चौतरफा तारीफ हो रही है। चलिए हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।